नमस्कार बच्चों, मैं हूँ आपकी दोस्त फूल कुमारी। नमस्ते दीदी। अरे इतना मायूस नमस्कार, क्या हुआ? दीदी, बारिश की वजह से हम दो दिन से खेलने नहीं जा पा रहे हैं, बोर हो रहे हैं। तो ये बात है। चलो बाहर खेलने नहीं जा सकते तो क्या हुआ, दिमाग का खेल तो खेल ही सकते हैं। दिमाग का खेल दीदी, यानी पहेलियाँ? वाह, बड़ा मजा आएगा। पूछिए पूछिए। देखते हैं तुम में से सबसे जल्दी कौन जवाब दे पाता है। मैं दूंगा। अरे अरे सुनो तो पहले पहेली। रंग है काला है मतवाला, सिर के ऊपर रहता है, धूप में ये खिल जाता है पर छाया में मुरझा जाता, बूझो कौन है ये? काला रंग, मतवाला, सर के ऊपर। दीदी कहीं इसका जवाब खोपड़ी के बाल तो नहीं? अरे नहीं, आगे की पंक्ति के बारे में भी तो सोचो। फिर से सुनो। रंग है काला है मतवाला, सिर के ऊपर रहता है, धूप में है ये खिल जाता पर छाया में मुरझा जाता। सोचो। सूझा कुछ? हाँ, मुझे समझ में आ गया दीदी। उत्तर है काला छाता, है ना, जिसको हम लोग धूप से बचने के लिए अपने सर के ऊपर खोल देते हैं और छाया में बंद कर देते हैं। हाँ सही पहचाने। ये और पूछो दीदी, मजा आएगा। ठीक है, एक और सुनो। फूल नहीं हूँ मैं फिर भी फूल हूँ मैं कहलाता, सब्जियों से मेरा नाता, बूझो कौन हूँ मैं? सब्जी न होकर भी फूल कहलाता है, ऐसी कौन सी सब्जी है दीदी? सोचो। आलू टमाटर प्याज तो नहीं हो सकती। मुझे उत्तर मिल गया दीदी, ये है फूल गोभी। हाँ, एकदम सही। दिमाग के खेलों के तो आप सभी चैंपियन लगते हो। और खिड़की से बाहर तो देखो जरा, आज इतने दिनों बाद बादल भी छट गए हैं। अरे वाह दीदी। तो अब आप लोग जाकर बाहर खेलो और अपनी फूल कुमारी दीदी को दो विदा। अगली बार फिर मिलेंगे। धन्यवाद। धन्यवाद।